कभी देखा नहीं है, पर इतनी तेज धूप है, आप लोगों को भूख प्यास लग रही होगी। आप लोग अंदर चलकर कुछ खा लीजिए। महिला की बात सुन पहले एक बुजुर्ग ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पति घर पर हैं? वो तो इस वक्त काम पर गए हैं। तो हम आपके घर नहीं आ सकते। शाम को जब महिला के पति काम से घर लौटे तो उसने पूरी बात अपने पति को बताई। सारी बात सुनने के बाद पति ने तीनों बुजुर्गों को शाम के खाने का निमंत्रण देने को कहा। पति के कहे अनुसार महिला एक बार फिर उस पेड़ के पास पहुंची और उसने उन बुजुर्गों को खाने का निमंत्रण दिया। महिला की बात सुन बीच में बैठे बुजुर्ग बोले, शुक्रिया बेटी, पर हम तीनों एक साथ किसी के भी घर नहीं जाते। पर ऐसा क्यों? देखो बेटी, ये जो मेरी बाई ओर बैठे हैं इनका नाम दौलत है, और जो मेरी दाई ओर बैठे हैं इनका नाम सफलता, और मेरा नाम प्यार है। जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि हम तीनों एक साथ किसी के घर नहीं जाते, अब ये तुम पर निर्भर करता है कि हम तीनों में से तुम किसे अपने घर ले जाना चाहती हो। बुजुर्ग की बात सुन महिला सोच में पड़ गई। उसके लिए निर्णय कर पाना थोड़ा मुश्किल हो गया। उसने सोचा, क्यों ना अपने पति की मदद ली जाए। वो भीतर गई और उसने अपने पति को सारी बात बताई। पत्नी की बात सुनने के बाद पति बोले, मुझे लगता है हमें दौलत को अपने घर ले आना चाहिए, क्योंकि उसके आते ही हम माला माल हो जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे तो लगता है कि हमें सफलता को ले आना चाहिए, क्योंकि उसके आते ही हम जिंदगी में वो सब हासिल कर पाएंगे जिसकी हमें इच्छा है। तभी पास ही में बैठी इनकी 10 साल की बेटी बोल पड़ी, मम्मा मम्मा, पर मुझे लगता है कि हमें उस प्यार नाम वाले दादाजी को घर बुलाना चाहिए, ताकि हमारा घर खुशियों से भर जाए। बेटी की बात पति पत्नी को जच गई और उन्होंने आंगन में जाकर प्यार नाम के बुजुर्ग से घर के अंदर आने का आग्रह किया। प्यार नाम वाले बुजुर्ग आगे बढ़े, पर ये क्या, उनके पीछे पीछे दौलत और सफलता नाम के बुजुर्ग भी घर की ओर चल पड़े। ये देख महिला को आश्चर्य हुआ और उसने बुजुर्ग से पूछा, पर आपने तो कहा था कि आप में से सिर्फ एक ही घर के अंदर आ सकता है, अब आप तीनों? बेटी, मैंने बिल्कुल सही कहा था। अगर तुमने दौलत या सफलता में से किसी एक को चुना होता तो बाकी दो घर के बाहर ही रह जाते, पर क्योंकि तुमने प्यार को चुना है, सो जहां प्यार रहता है वहां दौलत और सफलता तो खुद बखुद चली आती है।